And first tonight, one-on-one with Vishwanath Prasad Tiwari. May I have him on the screen, please? Tiwari ji, bahut bahut dhanyawad. Bahut bahut dhanyawad mere program mein aane ke liye. Bahut bahut dhanyawad. Ye aapne jo bola hai, iske baad kafi matlab halchal. Aapko bhi dhanyawad. Halchal ho gayi hai. Aur log keh rahe hain ki ye jo award wapsi log the, wo keh rahe the sara kuch spontaneous hai. Koi kabhi koi political meeting nahi hui. इसमें सब कुछ वॉलंटरी था, कोई प्लानिंग नहीं थी और कोई प्रेशर नहीं था. मगर जो ईमेल्स आपने दिखाए हैं जी, उससे तो नहीं लगता कि वो वॉलंटरी था, जो शिव कुमार की ईमेल है. और जो बात आपने कही है कि केसी त्यागी के घर में मीटिंग हुई, जिसका जिसके बारे में केसी त्यागी ने खुद कहा कि जी मीटिंग जी, हुई, हम मिले अशोक वाजपेयी से, बातचीत हुई, तो वो कहते हैं बातचीत किसी और बात पर हुई, पर बातचीत हुई. इससे तो यही लगता है कि ये जो अवार्ड वापसी की जो बात निकली थी, ये सारा कुछ प्रभावित था, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग एल्स. ये वॉलंटरी नहीं थी, ये स्पॉन्टेनियस नहीं थी. तिवारी जी, जी जी, आपने जो कुछ कहा है वो बातें हमने अपने लेख में लिखी हैं, और सारी परिस्थितियों पर गौर करने के बाद, इतने दिनों के बाद मैंने ये लेख लिखा और मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं था. अगर ये स्पॉन्टेनियस होता तो मुनव्वर राणा अपने घर से अकादमी का प्रतीक चिन्ह और चेकबुक लेकर एबीपी चैनल में गए थे, और वहाँ उन्होंने अपने चोंगे में से निकाल करके मेज पर रखा और अकादमी के पुरस्कार के बारे में बहुत ही अपमानजनक बातें कहीं. जी जी, उन्होंने ये कहा कि मैंने इस पुरस्कार को अपने घर में से ढूंढवा करके निकलवाया, मैं इसको अपने ड्राइंग रूम में रखने लायक नहीं मानता, मैं इसको गोमती नदी में बहा देता. ऐसी बातें कहने का मतलब यह है कि अकादमी के प्रति मन में पहले से घृणा थी. फिर जो ये पुरस्कार जितने लोगों ने लौटाए, उसमें से अधिकांश ने मोदी जी के चुनाव के पहले उनके चुनाव में जीतने का विरोध किया था. जनसत्ता में यह समाचार पहले से प्रकाशित हुआ था, जिसमें 40 लेखक शरीक हुए थे. उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी को वोट न दिया जाए जी, और वही लेखक थे जिन्होंने पुरस्कार लौटाए. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो ईमेल है, तो ये जो ईमेल है, ये जो ईमेल है जी, एक ईमेल है जी जी, जिसमें आपको लिखते हैं, देयर इज एन ईमेल, जब शिव कुमार आपको लिखते हैं कि मेरे पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा है ये अवार्ड वापस करने के लिए. ये क्या इस क्या ये ईमेल सही है? कोई लोग कहते हैं कि ये पुरानी ईमेल है, अब क्यों दिखाई, इसमें सच क्या है, हमें कैसे पता ये ऑथेंटिक ईमेल है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को ऐसी ईमेल शिव कुमार ने लिखी, इसके बारे में क्या प्रूफ है? इसके बारे में वो ईमेल निकलवा करके मैंने एकेडमी के ऑफिस से अभी आपके चैनल पर दिया है, और ये ईमेल जो है वो 12 अक्टूबर का है, 12 अक्टूबर 15 का, जो कॉपी मेरे हाथ पे है. एंड द हैशटैग इज अवार्ड वापसी एक्सपोज्ड. तो, या जी या. नहीं नहीं बताए जी इस, हाँ, इस और इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, और मुझे न केवल साहित्य अकादमी अवार्ड बल्कि पद्मश्री और पद्म भूषण भी लौटाने के लिए कहा जा रहा है. माय गॉड. और वो 93 इयर्स के भारत के सबसे वरिष्ठ अंग्रेजी लेखक हैं. बिल्कुल बिल्कुल.
बिल्कुल, जहां तक मुझे ज्ञात है वे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने टीएस इलियट का इंटरव्यू लिया था। जी जी बिल्कुल, वो कैसे गलत लिखेंगे। जी बिल्कुल, और वो ईमेल हमारे हाथ में है, मैं इस ईमेल को दिखाऊंगा अभी, आई एम होल्डिंग इट अप व्यूअर्स, दिस इज द ईमेल, यू कैन सी इट, द ईमेल एड्रेस इज हियर एंड इट इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट। जी, इट इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट, एंड लेट मधु किश्वर, स्मिता, संबित पात्रा, एवरीवन ऑन द प्रोग्राम टुडे, भाई बलदीप, सी दिस ईमेल, लुक एट दिस व्यूअर्स, दिस इज द काइंड ऑफ प्रेशर दैट वॉज बींग पुट बाय अ कॉकस, अ ग्रुप, अ कबाल, पुटिंग प्रेशर ऑन अदर्स, गो रिटर्न योर अवार्ड्स, एंड देयर वॉज अ फियर ऑफ excommunication from the literary community if you don't protest against Modi and return the award. Can you imagine the extent to which this conspiracy had been carried out? Watch this email, viewers. Last question, Tiwari ji. Aap par bahut abhi attack hai. Log keh rahe 2019 ke chunav ke pehle kyun bol rahe hain aap? Ji. Ye sawal hai ki ye sab aap 2019 ke chunav ke pehle kyun bol rahe hain? Aur Munawar Rana ne bola hai. उन्होंने बोला है दैट यू वांट अ जॉब इन द गवर्नमेंट फॉर योर रिलेटिव, यानी कि कोई सरकारी नौकरी चाहिए आपके किसी रिश्तेदार के लिए, इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। देखिए, हमने इस पहले इसको इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया क्योंकि मैं एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था का अध्यक्ष था। जी, मैंने सोचा कि इस समय अगर इस बात को मैं कहता हूं तो हमारी संस्था को कुछ विवाद में डाला जाएगा। जी, और संस्था के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। जी, संस्था की गरिमा की रक्षा के लिए मैंने उस समय नहीं कहा, और तमाम अपने मिलने जुलने वालों से मैंने कहा कि जिस दिन मैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद से हटूंगा उसके बाद मैं इसका खुलासा करूंगा। और मैं मार्च में साहित्य अकादमी से अलग हुआ हूं, इसी मार्च में, और मैंने अप्रैल में ही यह आर्टिकल प्रेस को दे दिया। इसमें किसी प्रकार के लाभ लेने की कोई धारणा नहीं है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू टेल आवर व्यूअर्स दैट मंगलेश दबराल वॉज पार्ट ऑफ द अवार्ड वापसी मूवमेंट, वॉज लाइव ऑन आवर प्रोग्राम, ही हैज नाउ वॉक्ड आउट ऑफ द प्रोग्राम। द एम्प्टी चेयर बिलोंग्स टू मंगलेश दबराल, सीनियर जर्नलिस्ट। आपको सुनते सुनते क्रोधित होके, गुस्से में आके प्रोग्राम बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। दैट एम्प्टी चेयर इज फॉर हिम। लुक एट द लेवल्स ऑफ इंटॉलरेंस ऑफ द अवार्ड वापसी ब्रिगेड। वी रिक्वेस्ट मंगलेश दबराल टू कम बैक टू द प्रोग्राम एंड टेक सम टफ क्वेश्चंस। यस, बाय बाय। यहीं बैठा हूं मैं, कहीं नहीं जा रहा हूं।